कि बहुत ही अमेजिंग रोलर कोस्टर जर्नी रही है, और यू कैन एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड स्पेशली फ्रॉम मी. एंड आई थिंक आई हैव रियली ओन्ड माई गेम, और काफ़ी मुश्किल रहा है बट आई हैव नेल्ड इट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे मेल्स आ रहे हैं, मेरा DM भरा पड़ा है लोगों से, और सब लोग काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, काफ़ी प्यारा बोल रहे हैं, और कहते हैं कि मैं बिग बॉस की शेरनी थी, मैं अकेली इतनों से भिड़ जाती थी, और मैं सबसे रियल थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और ये दुनिया स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के लिए नहीं है. तो मुझे तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. हाँ, जब मैं घर के अंदर थी, अभिषेक के कुछ फैंस से मुझे हेट मिली, बट कोई बात नहीं, अब एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ, तो मेरे पास फुर्सत नहीं है वो हेट जाके रिकग्नाइज़ करने के लिए. मुझे लगता है कि मेरे और पूजा मैम के अलावा कोई ज़्यादा रियल नहीं था घर में. ज़्यादातर लोग ने आपको अच्छा दिखाने में बिजी थी, सच्चा दिखाने में कोई बिजी नहीं था वहाँ. यही कि आप जितने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेबाक और डेविल बनोगे, और अमीरों की बस्ती में जब एक गरीब आता है तो उसके साथ क्या हशर होता है, कि लोग आपको आपकी रियलिटी के लिए हमेशा पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है. जो जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहता है वो सबसे पहले काटने की, उसको सबसे पहले काटने की कोशिश की जाती है. तो थोड़ी दुनियादारी समझ आई मुझे बिग बॉस के घर में. यही कि जो बिग बॉस के घर तक था वो बिग बॉस के घर में ही रहा, और अब सब लोग कॉर्डियल है, सब एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुली रहते हैं. तो जब हम आपस में दोस्त बन चुके हैं तो फैंस को आपस में हेट थ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से. वेल, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ और लोग आने लगे और मैं कंफर्टेबल नहीं थी. तो मैं एक्चुअली बैठकर और बातें करना चाहती थी, बट वी हैव द एंटायर लाइफ अहेड. सो या होगी, काफ़ी बातें होंगी. देखिए, ये बात तो मेरे डैड ने भी अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी फेस की और अभी भी फेस करते हैं. जब किसी को अपने बारे में कोई ऐसी बात बोल दो जो उनको चुभ जाए या नेगेटिव लगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते. उस चक्कर में वो आपको गलत ठहराना चाहते हैं या वो आपसे नफरत जताना चाहते हैं. बट इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है. कोई अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुनने के लिए रेडी नहीं होता है. बट रही बात फेस रीडिंग की, तो मुझमें मेरे फादर का टैलेंट है, और मैं अपने फादर का 10% भी ज़िंदगी में बन जाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस रहेगी. तो हर कोई आपकी रीडिंग को एक्सेप्ट करके चले ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि लोगों का ईगो और पर्सनल फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं. पर मुझे सच तो बोलना ही पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती. बिग बॉस के घर में जाने से पहले मुझे ऑलरेडी एक साउथ मूवी ने अप्रोच किया था, तो वो पाइपलाइन में है और उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है. वो जैसे ही प्रोजेक्ट साउथ मूवी का प्रोजेक्ट जैसे ही ऑन फ्लोर जाता है तो चीज़ें डिस्क्लोज होंगी. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम फोकसिंग ऑन. मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. प्लीज़ ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए. किसी पर हेट थ्रो मत कीजिए, किसी और पर भी हेट थ्रो मत कीजिए, और ऐसे ही कंसिस्टेंटली लाइफ में आप भी ग्रो कीजिए. गॉड ब्लेस.